गाजीपुर के गंगा नदी में एक कई दिन की गंगा मिली थी। उस गंगा ने गंगा पुत्र गुल्लू की तकदीर बदल दिया। तकदीर इस कदर बदला कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तत्काल इन्हें पीएम आवास की घोषणा के साथ ही इनके आने घर के आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, रास्ता बना दिया गया। इनके जीविकोपार्जन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक नाव देने की घोषणा किया गया था। नाव तो दे दिया गया और नाव का यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के विधान नाव देते हुए फ़ोटो खिंचवाया, अखबारों में वो फ़ोटो छपी। ऐसे में जो नाव गुल्लू को हैंड ओवर किया गया, लेकिन हमारे पीछे देख सकते हैं ये वही नाव है जो गंगा में डूबी हुई है और ये पिछले 15 दिनों से डूबी हुई है। लेकिन गुल्लू को यहाँ के उनको इस नाव को बनाने वाले मिस्त्री जो हैं वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। फिर ये नाव क्यों नहीं दे रहे हैं, हम उस मिस्त्री से ही पूछना चाहते हैं कि आखिर गुल्लू का जो ये नाव है उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। जी अपना नाम बता दें। नगीना निषाद, मिस्त्री, लकड़ी काम करते हैं। नगीना जी, गुल्लू का जो नाव था, नाव का देखा गया कि अधिकारियों ने आकर हैंड ओवर करके फोटो खिंचवा लिया था, तो ये नाव कितने में बनाने के लिए मिला था और क्या स्थिति है? 90,000 का बात हुई थी यो साहब से, उन्होंने सभासद को संजय कटियार को सौंप दिया, उन्होंने धीरे धीरे करके पैसा दिया, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे संभाल ला कर अपने बढ़ाया उसको। फिर नाव बन गई, उस घाटर का जी ने इंजन देने के लिए कहे थे एडीएम साहब विनोद अग्रवाल चेयरमैन को, वो इंजन नहीं मिला। अभी नाव पानी बढ़ने के कारण से डूब गई थी। अब जो है नाव निकलेगी, उसमें धो पोछ करके मिलेगा इंजन तो लगेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं लगेगी। ऐसे में जो 65,000 आपको मिला है लगभग 25,000 का बकाया है। हाँ, तो क्या पैसा बिना मिले इनको देंगे नाव को या क्या करेंगे? नहीं, पैसा मिलेगा तभी देंगे, हम भी तो बहुत बड़े आदमी है नहीं, गरीब आदमी है, यही काम और जीना खाना है, मिलेगा तो उनको देंगे। इसके लिए आपने कभी उनसे सभासद से या यो साहब से भी कहा, तो यो साहब ने कहा कि ठीक है चिंता मत करिए, हमको नहीं मालूम था, मैंने बोल रहा हूँ, तो उन्होंने आया तो 30,000 में से 5,000 रुपये दिया। फिर कहा कि उनको रंग पोत के दे दो नाव को, बाकी पैसा अब हमारे घर आइए देते हैं, पता ना देंगे कि नहीं देंगे कौन जानता है। ये थे नाव के मिस्त्री राम नगीना जी, जिन्होंने बताया कि 90,000 में नगर पालिका के द्वारा इनको ठेका मिला था, लेकिन उसमें से जो है जिनको ये काम सौंपा गया था उनके तरफ मात्र 65,000 रुपये का भुगतान किया गया है, जिसके वजह से इन्होंने जो है नाव को भी रोक रखा है। यहाँ तक कि जिस दिन इस नाव को हैंडओवर करके फ़ोटो खिंचवाया गया, जिला प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी थे वहाँ, गुल्लू हैं जो गंगा पुत्र के नाम से भी गाजीपुर में जाने जाते हैं, क्योंकि 21 दिन की गंगा जो है इन्हीं गंगा पुत्र गुल्लू को मिली थी, और जिसके बदले में जिला प्रशासन ने इनको ये नाव इनको जीविकोपार्जन के लिए देने की घोषणा किया था। गुल्लू, नाव को लेकर क्या बतलाएंगे? नाव को लेकर यही सर बताएंगे कि इसमें काम फंसा है, आधा काम फंसा है। क्या क्या बाकी है? उसमें ऊपर पटरा पटवाना है, ऊपर पटरा, उसके बाद इंजन लगवाना है जी। एसडीएम साहब खुदे उद्घाटन किए, फीता भी कटा, तो एसडीएम साहब बोले कि चेयरमैन साहब से जो हैं तो कि इसके देखिए इंजन भी लगवाइए, लेकिन अभी देखिए पानी में डूबी है ना, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या आप लोग सर नहीं आते तो कुछ हो भी नहीं करता। नाव को यहाँ पर मतलब किसने रोका हुआ है, मिस्त्री साहब ने रोका हुआ है या फिर नगर पालिका के लोगों ने रोका हुआ नहीं, है? नहीं, यहाँ तो हम मिस्त्री रोके हैं। क्या क्यों मिस्त्री क्या कर रहे हैं? मिस्त्री कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है, जब पैसा मिल जाएगा तो हम नैया दे देंगे। तो ऐसे में मान लीजिए पिछले जब से नाव आपको मिल गया है तो जीविकोपार्जन के लिए जो नाव मिली थी यहाँ पर फंसी हुई है, तो आपका घर का खर्च कैसे या कैसे चला रहे होंगे? अब हम क्या करें, दौड़े दौड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी भी छोड़ देंगे, मिले चाहे ना मिले, अपना काम तो करेंगे ना सर, बच्चे हैं हमारे, परिवार है, रोज रोज दौड़ेंगे नहीं ना हम। इसको लेकर कभी अधिकारियों से अपनी बात कही है? गए लली, लेकिन भेटे ना हो गए थे डीएम साहब के भी गए लली, लेकिन वहाँ भी ना भेंट भेल कहीं चला। ये अग्रवाल साहब के गए ली तो 7-8 बजे करीब गए थे, 8 बजे, लेकिन वो टाइम बता दिए कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। हाँ, तो फिर हम गए नहीं। ऐसे में क्या लगता है, नाव अब आपको मिलने की उम्मीद लगती है या क्या रहेगा? हम तो सोचा था नहीं कि वैसे ही खिंचवा के ले जाएं, वैसे ही जैसे निकलवा के ले जाएं, लेकिन मिस्त्री देते ना हो तो हम कहा बताएं अभी मिली कि ना मिली। ये थे गंगा पुत्र गुल्लू, जिन्होंने 21 दिन को गंगा को पाया और उस गंगा ने इनको जो है
पूरे रातों रात जो है पूरे प्रदेश स्तर पर इनको जो है हाईलाइट कर दिया और जिला प्रशासन के द्वारा इनको एक नाव दी गई, लेकिन नाव का पेमेंट अधूरा होने के कारण मिस्त्री के द्वारा इस नाव को रोका गया है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा जो ऐलान किया जाता है, हाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि नाव इनको हैंड ओवर नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री को गाजीपुर के सैदपुर में जब कार्यक्रम था उसके एक दिन पूर्व पूरे प्रशासनिक अधिकारी ने इनके नाव को जो है इनको हैंड ओवर भी कर दिया है और पूरी फोटो खिंचवा सब कुछ मीडिया में भी आया है, लेकिन नाव इनको अभी तक नहीं मिला है। कारण कि इस नाव का पेमेंट बाकी है और उस नाव को चलाने के लिए जो मोटर होने लगना चाहिए उस मोटर को भी अभी तक नहीं लगाया गया है। अनिल कुमार, MMC न्यूज़, गाजीपुर।